अभी तो हो गया, अभी क्या बहुत ही एक्साइटेड हूँ. लाइक मैं पार्ट वन से ही यू नो बहुत ही ये मेरी फ्रेंचाइजी जो है जुरासिक पार्क की मेरी फेवरेट रही है एंड आई एम एक्साइटेड फॉर दिस मूवी. और ट्रेलर देखा मैंने, इट्स सो प्रॉमिसिंग एंड फुल एक्शन है एंड VFX वगैरह का जो वर्क किया है इट्स माई फेवरेट. लाइक आई लव VFX एंड एनिमेशन थिंग्स, सो आई लव दिस काइंड ऑफ मूवीज, सो आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस. Yeah, in this movie we are going to see the you know reunion of the original ones jo first Jurassic World mein the, Sam, Jeff and Laura, unka ek reunion hone wala hai unka. So bahut hi maza aane wala hai unke sath, ye no kya magic laate hai wo screen pe wo dekhna hai. Yes, I think summers अभी चल रहे हैं, अभी vacation भी you know over होने वाले, schools open वाले हैं. So जितने भी बच्चा पार्टी है, you should just come here and you should watch this movie. And of course जितने भी बच्चे हैं सारे इस movie के बहुत ही बड़े fan हैं, मैं भी हूँ उनमें से. So you should all come with your family and watch this movie. Yes, बहुत ही अच्छा लगता है एक बड़े नाम के साथ जुड़ना एंड लोगों का जो प्यार मिला है इतने सालों से, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. और जब आपके काम को एक अप्रिसिएशन मिलता है तो और आप मोटिवेटेड होते हो अपने काम को लेकर और उसी एनर्जी के साथ आप काम करते हो. सो बस मैं वही आशा करूँगा, ट्राई करूँगा, अपना 110% दूंगा कि मैं अपनी ऑडियंस अपने फैंस को हमेशा एंटरटेन कर पाऊँ. अभी मूवी देखकर मैं आऊँगा तो मैं आपको स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, तो उसी तरीके से मैं आपको इसके बारे में भी कुछ बताना नहीं चाहूँगा. एंड जो भी होगा बहुत ही धमाकेदार होगा. यू गाइस आर गोना लव इट, सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट. सॉरी आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट राइट नाउ. आई थिंक इस मूवी के लिए हम आए हैं शानदार शाम के लिए आए, तो उसी के साथ यू नो हम जाते हैं अंदर, अभी मूवी देखते हैं और इन्जॉय करते हैं. आई एम गोइंग टू एन्जॉय द मूवी विद cup of popcorn and my favorite coffee. So thank you so much guys, thank you. सारे पार्ट्स देखे एंड मतलब कि दोनों देखे, जोरासिक मैंने जोरासिक पार्क भी देखी है, जोरासिक वर्ल्ड भी देखी है. तो बहुत फन था, मतलब कि बहुत ही अच्छा था. एंड उस टाइम पे जब हम लोग ने देखा था तब एनिमेशन इतना अच्छा था, तो आई गेस इस टाइम तो डबल बेस्ट होने वाला है एनिमेशन. आई गेस इसके अंदर जो मैंने ट्रेलर में देखा है, आई गेस उसके हिसाब से बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर वो और अच्छे से फ्रेंड्स बन गए हैं. क्रिस पैट इसमें और अच्छे से फ्रेंड्स बन गए डायनासोर्स के साथ, सो आई गेस वो बेस्ट पार्ट है अभी तक के जितना मुझे पता है. बाकी तो मूवी देख के पता चलेगा. बहुत बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ इन्जॉय, मतलब कि उनको वीडियो कॉल पर देख के उनको इतना खुश देख के मैं खुद खुश हो रहा हूँ. एंड वहाँ पे वो बहुत इन्जॉय कर रही हैं. एंड आई वुड लाइक टू विश हर ऑल द बेस्ट एंड आई वुड लव इफ शी वन एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट शी विल बिकॉज शी इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. मैंने अपनी तरफ से अपनी को एक चीज़ बोली थी कि कुछ भी हो जाए
ट्राई करना है सारे स्टंट्स, अवॉइड नहीं करना, सारे स्टंट्स ट्राई करना है. सो आई गेस वो इस चीज़ को माइंड में रख के आगे जाएंगे इंशाल्लाह एंड वो जीत के आएंगे इंशाल्लाह. I'm super duper excited and I love Jurassic Park. I've been watching it for very long, so I'm super excited and looking forward to it. Thank you so much. Okay. Are we together? Thank you. Also with her for it, we I think we bought it. Yeah, we unveiled those two dinosaurs, the Peter and the Blue. So yes. It was a lot of fun. Yeah, we did. Okay. Yeah. So yeah. It was a lot of fun, and it's the last movie of the Jurassic World. So I'm very excited for it. And yeah, yay! Yay! Yes, very excited. I like dinosaurs. I get to watch it. No, get to watch it. We tell you. Yeah. But the dinosaurs. I'm here for the dinosaurs, guys. Okay, that's it. Thank you. Hello, me. Mummy, is it after me? I'm
first when I was a kid, I watched this film. जब मैं बच्चा था तब मैंने अपने पेरेंट्स के साथ ही देखी थी. तो ये दोबारा आ रही है तो मैं अपनी मॉम के साथ ही आया हूँ टू रीलिव द मेमोरीज. तो इट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म एंड आई स्टिल रिमेंबर ऑल द फिल्म. या ऑल द पार्ट्स दैट डायनासोर्स आर इन द सिटी नाउ. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट. दैट्स द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट. Bubbly Bouncer, it's a level up for me because I got to work with Jungli Picture Madhu Bhandarkar sir and I have a great co-actor Tamanna. So I'm really excited and it has a different character which I'm playing right now because earlier I have played a CrossFit champion in Chandigarh Kare Aashiqui and Kabaddi captain in Student of the Year 2 and this is totally different where you will see me a different part of me. Not the fitness part but a different zone because I'm playing an engineer here, software engineer. So that the whole film is very lively, very entertaining, I would say, yeah. Thank you. बीसी आंटी जुरासिक वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और आज पिक्चर देखने के बाद मस्त रिव्यू बनाने वाली है. मुझे इमोशनल कनेक्ट जो दिया है कि डायनासोर के बच्चे खो गए हैं और उन्हें वापस रिट्रीव कर रहे हैं तो वो एक ममता वाला जो एंगल है वो मुझे बहुत एक्साइटिंग लग रहा है. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच द मूवी. ऑफकोर्स जुरासिक पार्क एक ऐसी मूवी थी जिसने हमारे लिए एक नया आयाम खोल दिया था और स्टीवन स्पीलबर्ग हमारे बचपन का हिस्सा हैं तो जुरासिक पार्क होल्ड्स अ वेरी स्पेशल प्लेस सिर्फ मेरे बचपन के नहीं सभी के लिए. तो इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेकर. जी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात नहीं कर सकती लेकिन अपहरण 2 में बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है लोगों का अभी तो बहुत बहुत शुक्रिया. जी बिल्कुल. ए जी गाली दे रहा है कोई. ठीक है. थैंक यू गाइस. सुपर एक्साइटेड. बहुत बढ़िया मूवीज है. आई मीन आई बीन वॉचिंग So I've been watching these movies for a very, very long time. Super excited about the latest, possibly the final installment of the Jurassic World series. I've watched the other two movies, the Jurassic World and the Fallen Kingdom one, recently just so that I could be fresh about this. And I'm super excited about this film. About this particular one? Well, I've not seen it yet, obviously. I'm excited to see it, but what I love about it is how brilliant technology is today, where everything that you can imagine comes to life. And I love the fact that we're getting to experience dinosaurs in the biggest possible way on a screen as big as dinosaurs deserve to be seen on. So I'm excited about the movie right now. बचपन से सारे पार्ट्स देखे हैं और इस पार्ट लिए आई एम सुपरली एक्साइटेड क्योंकि यू नो सबके साथ आई थिंक बचपन से जुरासिक पार्क एंड जुरासिक वर्ल्ड नाउ एक मेमोरी है जो यू नो हमेशा आपके दिल के बहुत क्लोज है. सो डेफिनेटली वेरी एक्साइटेड. जो मेरे अंदर का बच्चा है इट्स लाइक जंपिंग आउट टू सी द डायनासोर्स आउट. हाँ एक्चुअली बिकॉज अभी क्या है ना हम डायनासोर से ऐसे पहले इतना डर जाते थे. एक्चुअली आई हैव थॉट दैट देयर डायनासोर्स राइट नाउ ऑल्सो वी कैन सी बट अब उतना नहीं लगता डर. पहले बहुत लगता था. हेलो. बहुत सारी मेमोरीज है बचपन की. बचपन से हम जुरासिक पार्क देखते आ रहे हैं और मैंने सारे के सारे इसके यू नो सीक्वल्स देखे हैं जुरासिक पार्क के. एंड
इट्स अ फिनोमिनल एक्सपीरियंस. जब मुझे प्रीमियर के लिए कॉल आया तो मैंने कहा कुछ भी हो आई डोंट वांट टू मिस दिस एंड इट्स एन एनिमल फिल्म एंड वी ऑल हैव बीन सो फैसिनेटेड विद यू नो डायनासोर्स. आई थॉट व्हाई नॉट टू वेयर अ jacket which is obviously not similar to dinosaurs but it's a pet jacket by brand itself Pop Culture. I'm working on a web series which is on a college drama, medical students and college war. Keep doing ads and I'm busy with my fashion brand Pop Culture. Lot of stuff, busy life and yes, party life too. Thank you. बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. जुरासिक इज़ अ ब्रिलियंट फ्रेंचाइज इन इट सेल्फ एंड आई थिंक वी आर ऑल ग्रोन अप वॉचिंग द सीरीज. तो थ्रिल टू बी हियर यार, वेरी वेरी एक्साइटेड टू एटली वॉच व्हाट दिस फिल्म हैज़ टू ऑफर. आई मीन आई डोंट थिंक ऐसे कोई स्पेसिफिक मेमरीज है, बट आई रिमेंबर बचपन में ऐसे मॉम यू नो नई नई जब आई थी तो एक्साइटमेंट था कि डायनासोर की मूवी देखने जानी है. वी यूज़ टू प्ले विद दोस डायनासोर टॉयज, तब नई नई आई थी. सो यू नो इट्स अ वेरी नॉस्टैल्जिक मोमेंट. Yeah, so currently I had shot for a web series for Z5, so that should be releasing this year. A lot of other stuff, interesting stuff in the pipeline as well. A lot of music videos and other web series for you guys to look out for. Thank you so much. So I am not a big fan of Hollywood movie, but Jurassic World since ये last edition होने वाला है इसका, तो एक emotional factor जिसकी वजह से पीछे चली आ रही audience यहाँ पर, and I hope जितना सोचा उससे ज़्यादा exciting होगा movie. Actually not a big fan of Hollywood, but since this is a really emotional factor, since this is the last part of Jurassic World, so we are here. Yeah, we are working on a few and details will be out soon. Thank you. I especially came today for Angel. She's very very excited to watch Jurassic Park, and we all have been fans of the Jurassic series, you know, and so excited in 2022 we again get to watch it with our family. And I've been a really big fan of Chris Pratt and looking forward to watch this movie. क्या देखने के लिए सबसे ज़्यादा excited है Jurassic? वो Jurassic बचपन से ही नाम जब हमारे जहर में आता है तो it has always been very exciting with dinosaurs. पहली बार हमने सबने you know dinosaurs इसमें discover किए थे हमारी life में. So this has been very special from childhood, and in 2022 getting back to it and with my family, it's going to be an amazing experience. I think they're going to be I think larger than life. Yes. Oh, I would like to wish both of them all the very best, and I think they're both going to rock this Khatron ke Khiladi season. और सबको बहुत मजा आने वाला है, and they have such a huge fan base. They are so happy to see both of them back together after such a long time, because काफ़ी टाइम से आप दोनों को साथ में देख नहीं पा रहे थे. सो आई थिंक खतरों के खिलाड़ी इज गोइंग टू बी वन ट्रीट फॉर ऑल देयर फैंस, एंड आई एम एक्साइटेड फॉर बोथ ऑफ देम एंड माय बेस्ट विशेस टू बोथ ऑफ देम. हाँ जी, यस, अभी अभी एक हसीना ने रिलीज हुआ है विद शहीद एंड निकी, सो वी वेरी वेरी एक्साइटेड विद द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग, एंड काफ़ी 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 सारे गाने लाइंड अप हैं, और बहुत जल्दी हमारे दो कंटेस्टेंट जो खतरों के खिलाड़ी में हैं वो जैसे ही बाहर आएंगे वील बी रिलीजिंग आवर सॉन्ग्स. तो फिंगर्स क्रॉस्ड, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द बेस्ट टू कम. थैंक्स थैंक्स थैंक यू. Yeah.
Well, I've always been a fan of such movies, and I'm really excited to watch the third part of it. And I'm just looking forward to go and attend the screening. Yeah, I guess we've always heard about dinosaurs, but this is the first time that any movie had the concept of dinosaurs as such. So I'm definitely looking forward to seeing this part of it, and I'm very excited. I guess the idea itself of dinosaurs coming to life is something that's very exciting and so new to watch, because you know it's something, it's like a break from reality, I would say. So yeah, that's the best part, I think. I guess this season so many people I know have gone. There's Jannat, Faizu, Kanika, Shivangi, so many people. So I wish everyone all the very best. In fact, meri Jannat se jaane se pehle hi matlab hamari meeting hui thi. So I'm sure she's gonna rock it, and I wish everyone all the very best and be the best possible. Rock on the tasks. There is something coming up for the OTT, and you guys will know that soon, so stay tuned. Thank you. Yeah, Jurassic Park has been, you know, that movie जो हम लोग बचपन से देखना चाह रहे थे. There was a time when, you know, मेरे मामा घर पर बुलाकर हमें हर हफ्ते Jurassic Park दिखाते थे, because you know the sound was amazing, the video quality was amazing, everything was different from all the other Hollywood movies that time. So I'm very excited about this particular part of Jurassic Park, because it's a conclusion where we'll get to know what exactly is happening about the dinosaurs and the humans. So extremely excited about the movie. Right. See, Jumanji and everything is all about adventure and what exactly is happening in the game. But Jurassic Park is something about the, we would say, ancestors like dinosaurs, where we are not aware about what exactly and how exactly dinosaurs used to be. So we get to see that, a different part of the world and different era. So altogether, it's a very adventurous movie, I would say, different from all the other movies from the same segment. Right. So many of my friends are in Khatron Ke Khiladi this season. Faizu, Jannat, and many of them. Rajiv is there, Shivangi is there. And Aneri is there, who is in my show only. So they, I just hope that they do a wonderful job there. And I want them to perform very well. That's it. One of the most experience of the right. Yeah, that is I'll just give a small spoiler that there's something different coming from, you know, in the show, which is different from everything you've watched till now. So just, keep watching, and next week maybe you'll see a different generation altogether. Thank you. Thank you. Thank चले गए।
content chart. Because I just wanted the movie. Sorry, I would actually need a tissue. I'm so sorry. I have a chewing gum and I don't want to talk. It's really rude to talk with chewing gum on. I'm a huge fan of the Jurassic Park series. When it actually released in 93, I think, the first movie, I think, Jurassic Park, when it had released, it was such a phenomenon. We were children, and we had seen it on video cassette, and we were spellbound. Since then, I'm a huge fan, and I'm very excited to be here today to see one of the, maybe it might be the last movie of the series, I'm not sure, but I'm very excited. In this movie, what I really am looking forward to is to see the OG cast. Jeff Goldblum and, you know, Laura Dern, Sam Neill. I'm really looking forward to see the entire OG cast in this new movie. Can we talk something else, please? Let you guys know. You can say that. I'm sorry? Dinosaurs can't be your favorite. If you ask me about Transformers, I can say it's my favorite Transformer, but dinosaurs eat you up, yeah? So yeah, but I'm looking forward to this movie. Thank you so much. What kind of memory did you have? Jurassic Park was released in our video cassette, we saw it in someone's house. And we were spellbound by watching that. And a huge fan of Steven Spielberg and his work, and I'm really looking forward to this now. Ask something else, please. Anything else? Thank you so much. How am I more connected to the film? I love the film, all their parts. We've grown up on the film. Camera look. I love the film. We've grown up on the film. Yeah, those bachpan se dekhte aaye all the parts, and I'm a fan. I'm a fan. So yeah. मतलब कितनी सारी चीजें I haven't even seen the trailer yet, but I've been really excited about the film. So I've come with no expectations, such bataun to. So I just want to be blown away with the film. Let's see what the film holds for us. Yeah. अरे यार दोस्त बहुत सारी चीजें हैं बस बप्पा से प्रे करो बहुत जल्दी आपसे बात कर सकूँ उस बारे में लेकिन फिलहाल नहीं. It'll be a little while before I can speak about it. नहीं यार दोस्त ऐसा नहीं है आई थिंक OTT की अपनी एक जगह है टीवी की अपनी एक जगह है और आई थिंक हर 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 डोमेन की हर प्लेटफॉर्म की अपनी अपनी जगह है जो बहुत ही बढ़िया से चल रही है बट हाँ क्योंकि अब OTT के आने से एवेन्यूज़ बहुत बढ़ गए हैं बहुत सारे बहुत अलग अलग कहानियाँ बिग मेकर्स बिग राइटर्स डिफरेंट पीपल कमिंग टुगेदर सो दैट्स एन एक्साइटिंग स्पेस यार थोड़ा सा अलग सवाल है हाँ जी यार दोस्त क्या ही अब मैं मेरे कहने या ना कहने से क्या होगा कुछ आई डोंट अप्रिशिएट इट और मैं इस बारे में ज़्यादा बात करना भी नहीं चाहता इज़ बिकॉज नहीं होना चाहिए जो हो रहा है जो नहीं होना चाहिए अब इसको ये कैसे नहीं होना चाहिए मुझे नहीं पता
बट ये जो सब कुछ जिस जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, इट्स इट्स नॉट अ गुड फील, इट्स नॉट नाइस. सो या, थैंक यू. थैंक यू सर.